आप देख रहे हैं TNB। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से देश भर में प्रिकॉशन डोज टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। आज सुबह 9 बजे से प्रिकॉशन डोज देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के बीमार लोगों को दी जाएगी। यह तीसरी प्रिकॉशन डोज उन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा की उम्र के बीमार लोगों को लगनी है जिन्हें कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगे 9 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। सभी फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार यानी कि 8 जनवरी शाम से ही कोविन पोर्टल पर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को अग्रिम मोर्चे का कर्मी माना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि ऐतिहासिक खुराक के लिए 1 करोड़ से अधिक अग्रिम मोर्चा के कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को SMS के जरिए भेजकर स्मरण कराया गया है। प्रिकॉशन डोज को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए सीधे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया था कि प्रिकॉशन डोज या फिर बूस्टर डोज उसी वैक्सीन की लगेगी जिसकी पहली 2 डोज लग चुकी है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों को पहले कोविशील्ड का वैक्सीन लगी है उन्हें कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। जिन लोगों ने पहले कोवैक्सीन की वैक्सीन लगवाई है उन्हें कोवैक्सीन की ही बूस्टर डोज लगेगी। आज से भारत में प्रिकॉशन डोज शुरू होने से पहले रविवार को देश के आयुष डॉक्टरों की संस्था NIMA यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कोविन प्रमुख को पत्र लिखकर आयुष डॉक्टरों को भी प्रिकॉशन डोज देने की मांग की है। और इस तरह कोरोना को रोकने के लिए आज से पूरे देश में बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लगने जा रहा है, जिसके नियम हमने आपको बताया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।